लिखेंगे तो साहब मैं यकीन रहेगा आपके सारे जन जो अनकार्डिंग लिखी है आपके सब मैसेज वापस आ जाएंगे। तो एक गीत जो है अभी मैंने सेंड किया है एल जी टी पापी शीला का अपना फैरी का और एंजल का गीत, तो वो भी अभी कल या परसों को वो भी ख्याल चलेगा। तो संडे स्कूल जो है वो शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है, जुमे को और हफ्ते की शाम को। याद रखें कि अपने बच्चों को भेजें, आगे क्रिसमस का सीजन चल रहा है तो बच्चों के लिए अच्छे गिफ्ट हैं। जो बच्चे संडे स्कूल में रेगुलर रहेंगे उनको वो गिफ्ट मिल पा रहा, वहाँ पर तराजना करें सारे बच्चे आने से। आप बच्चों का वो आना जरूरी है, बच्चे आए बेटी अनुरुच उनको बड़ी अच्छे तरीके से उनको ट्रीम दे दी है संडे स्कूल की। इसके साथ साथ हर जुमे को शाम 4 बजे तक ये बहनों की मीटिंग है जिसमें बाजी मोना है और बहन बैठक है और बहन बेटी अरोज है। यहाँ पर हिंदू खानी है और जिनमें हिमाचल टीम की जो पुरानी बहन है जिसको पहले ने मखसूस किया हुआ वो भी साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप संडे की मीटिंग जो बहनों की मीटिंग है खास करके ये इस प्रोजेक्ट को आपने कामयाब करना है ताकि हमारे चर्च की भी फैली हो और आपको भी बरकत मिले। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं और इसमें चिल्ड्रन मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है और बहनों का क्लास का भी प्रोजेक्ट है। आमर और जुकेन को मैंने ये जाने के काम शुरू करेंगे, दुआ करेंगे ये जल्द उनको वक्त खुदा दे कि काम काफी होता है जब खुदा की मर्जी हो और वो वक्त खुदा ने सिलेक्ट किया। तो आप अपने जो बच्चे पढ़ लिखे हैं वो पास्टर आमर से जुकेन से रब्ता करें, क्लास को शुरू करें, ठीक है। बैबल क्लास जो है वो आपकी शराब जो है वो इंटरनेशनल आपको शराब मिलेगी। तो आप अपने बच्चों पर गौर कीजिए, अच्छा मौका है, अच्छा काम है। आज के बच्चे कल बेहतरीन खादों बनेंगे, अच्छे खादों बनेंगे और अंजीर की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आपके खानदान सरफराज होंगे, बच्चों पर गौर करें, पढ़े लिखे बच्चों को जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बाइबल कॉलेज के लिए भेजें। तो अगले संडे हम ऐलान करेंगे, अभी इनके साथ मीटिंग करते उसके बाद हम ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन बाइबल कॉलेज क्लास के लिए किया जाता है। बच्चों को जरूर भेजें, जुम्मा और हफ्ता दो दिन का ये संडे स्कूल है, बच्चों को भेजा करें 6 बजे से लेकर 7 घंटे का ये इबादत होती है। तो जरूर आप अपने बच्चों पर गौर कीजिए। तो आज कराने को 10 में से आज देखेंगे आगे एक इवेंट आ रहा है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, तुम तलक बता के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तारुफ करते हैं बाइबल का, पुराने नामा का बाइबल मुकद्दस का पहला हिस्सा इब्रानी बाइबल से बाइबल है जो कि यहूदियों की मुकद्दस किताबें हैं। इस हिस्से की वो मसीही पुराना ऐनामा कहते हैं। पुराना ऐनामा जो है वो मूसा की मार्फत मिला, शरीयत मूसा की मार्फत मिली और फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत मिला। पहले आदम ने गुनाह किया और दूसरे आदम ने कुर्बानी देकर हमें नजात दी है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, युवाओं का क्लब भी है। पुराने ऐनामा की किताबें खुदा यीशु की आमद से तकरीबा 1000 साल पहले लिखी और इकट्ठी की गई। ये किताबें मुसों में तरतीब दी जाती है। ये 5 किताबें हैं, पदायश, खुरूज, गिनती, इश्ना। ये 5 किताबें शरीयत की हैं। तौरात की किताबें 12 हैं, यशुआ, कज़ाब, रूत, शमूएल, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला सलापनी, दूसरी सलापनी, पहला दूसरी तवारी, अजरा, नहमिया, आस्तर। हर किताबें जो है ये तवाबे हिकमत की किताबें 5 किताबें हैं। अय्यूब की किताब, ज़बूर, इम्साल, वाइज, रसूल, गज़ला, अंबिया, अस्कर की 5 किताबें और अंबिया अकबर की 5 किताबें हैं। यसाया, यर्मिया, राकेल, दानियल और अंबिया अस्कर की किताबें होशिया, योएल, आमोस, यूना, निका, नहुम, हब्बू, सफिनिया, जिक्रिया, मलाकी। ये
अंबिया असगर की भी बारह और तवारीख की बारह और पांच हिकमत और पांच अकबर अंबिया अकबर की किताबें याद रखा करें। मुफ्तियों की किताब जो है ये पुराना अहदनामा है, फतेहत से लेकर गुलाकी तक उनके मुताबिक जो कुछ लिखा गया उनके लिए, और यसूसी की जो मुकदस है उस माजिया तौर पर एक आरसी है मोहब्बत का जिक्र है कि हर दुनिया से मोहब्बत रखी कि उनका बेटा बख्श दिया ताकि पर ईमान लाए हदाक हुआ बन के हमेशा की जिंदगी पाए। ये यसूसी के दौर में है, पीछे आम के बदले आम दाम के बदले दाम ये मुख्तलिफ बदलाव बदले लिए जाते थे, लेकिन यसु मसीह ने आपका सारा डाटा चेंज किया। यसु मसीह ने पूरी उम्मत को आवाज दी, ऐ बेंडो उठावे वालों और